जय माता दी। दोस्तों, आप चाहते हैं कि जब भी मैं अपने YouTube चैनल में कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिखा दिया
सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं ग्रहाण परमेश्वरः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदम्बे मैया की जय। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। शिव परिवार की जय हो। एक नमन गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। जामुन गांग संगम
श्री राधा मुकुंद जुगलम तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधा राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को श्री राम। जय राम जय जय राम श्री जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम।
Bye.
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मांड नायक लीला बिहारी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हुए कृपा मूर्ति दया मूर्ति माँ करुणामयी दयामयी सभी भक्तों को बांके बिहारी के पास पहुंचाने का कार्य करने वाली भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप श्री किशोरी जी को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आदिशक्ति महामाया जगत जननी माँ काली परांबा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यज्ञ में उपस्थित मंत्रात्मक रूप से सभी देवताओं को प्रणाम वंदन, मंच पर सभी आवाहित पूजित देवताओं को वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी संगीत में जो उपस्थिति देते हुए आप सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे मेरे सभी प्रिय अनुज हमारे इस महाकाली माता के प्रतिष्ठा के कार्य को यज्ञ कार्य को संपादित कराते हुए आचार्य जी एवं अन्य समस्त ब्राह्मण विद्वानगण धर्म प्रेमी मातृशक्तियों एवं बंधुओं एवं इस पूरे कार्य को माता काली जिनके माध्यम से करवा रही हैं, ऐसे माता महाकाली के आशीर्वाद स्वरूप पुत्र स्वरूप और बड़े ही विनम्र सरल सहज स्वभाव के हमारे श्री भगत जी महाराज जिनके ऊपर माता जी की बड़ी कृपा है और माता जी अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपनी यहाँ पर उपस्थिति प्रदान करने के लिए जामुनझिरी के लोगों के कल्याण के लिए माता जी यहाँ पर विराजमान हो रही हैं, तो ऐसे समस्त इस क्षेत्र के लोगों की रक्षा करने के लिए माता जी ने यहाँ पर स्थापित होने का विचार बनाया और बिना विचार बनाने के बाद देखा कि ये कार्य कौन कर सकता है, तो माता महाकाली ने इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे प्रिय उनके पुत्र स्वरूप हैं, जो कृपा पात्र हैं, जो उनकी सेवा करते हैं निर्बल भाव से, ऐसे हमारे भगत जी को चुनाव किया और उन्हीं के संचालन में उनके सानिध्य में सभी ये कार्य संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नव दिवसीय कार्य के अंतर्गत आज श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में मध्यान्हकालीन इस वेला में एवं याज्ञिक विधाम के चतुर्थ दिवस के मध्यान्हकालीन इस वेला में आप सभी उपस्थित जितने भी कथा प्रेमी बंधु हैं मातृशक्तियां हैं आप सभी को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। भगवान श्याम सुंदर जी एवं भगवान श्री राम जी माता महाकाली ये सभी हम सभी के लिए सदैव रक्षा का कार्य किया करते हैं। कभी भी भगवान किसी का अहित नहीं करते। ऐसा है कि बाबा जी यज्ञ करा रहे हैं, भगत जी यज्ञ करा रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो इसका फल केवल उन्हीं को प्राप्त होगा या इस यज्ञ का फल केवल जो इसमें लोग आकर के जुड़े हैं चंदा दे रहे हैं उनको प्राप्त होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्,
हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि माता महाकाली की प्रतिष्ठा होगी तो माता महाकाली जिन लोगों ने माता जी के उसमें चंदा दिया है या जो सेवा किए हैं उनकी भी रक्षा नहीं करेंगे। इस पूरे क्षेत्र में जितने जीव हैं, प्राणी हैं, शव की रक्षा माँ करेंगी। शव पर मोरी बराबर दाया, शव के ऊपर बराबर दृष्टि करती हैं, बराबर रक्षा करती हैं। शव के ऊपर अब यज्ञ करने से क्या होता है तो बोले यज्ञ करने से वृष्टि हुआ करती है, जल गिरता है तो यज्ञ तो यहाँ हो रहा है, फिर पानी पूरे देश में क्यों गिर रहा है? तो पूरे देश में इसलिए वृष्टि हो रही है कि यज्ञ का जो फल है वो पूरे देश में प्रसारित हो रहा है, वायुमंडल के माध्यम से मंत्र पूरे दुनिया में गूंज रहे हैं। जो हम हवन कर रहे हैं वो ऊर्जा आकाश में जाती है और आकाश में जाने के बाद विराट हो जाती है, वो प्रत्येक प्राणी के लिए समता भाव है, वहां पर समता का भाव है। सब पर मोरी बराबर दाया, सब के ऊपर मैं एक जैसी कृपा करता हूँ, एक जैसी दया दृष्टि करता हूँ। भगवान कहते हैं, माता जी कहती हैं, सब के ऊपर हम लोग गाया करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। हम लोग गाया करते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु, हे माता आप जितने भी भूत हैं यानी जीव हैं उनके हृदय में मात्र रूप से विराजमान हो जाओ। उसमें ये नहीं कहते कि अमुक आदमी के हृदय में विराजमान हो जाओ, सब के हृदय में मात्र भाव से विराजमान हो जाओ। तो मात्र भाव से विराजमान हो जाओगी मैया तो सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, सब के ऊपर बराबर की कृपा बनी रहे। अब होता यह है कि भगवान भी कहीं गारंटी ले रहे हैं कि सब के ऊपर मैं बराबर की कृपा करता हूँ, बराबर दया दृष्टि करता हूँ। तो मैं पूछता हूँ आपसे कि भगवान जब सबके ऊपर एक जैसी कृपा कर रहे हैं तो आधे लोग सुखी क्यों, आधे दुखी क्यों? आधे आदमी दुखी क्यों है, सुखी क्यों है भाई? कोई आदमी शरीर से परेशान है, दुख भोग रहा है और कोई मजा मार रहा है बढ़िया, चार चार छह छह गाड़ियां घर में खड़ी हैं, बढ़िया शाम को आता है तो 500 रुपए की उधरी से लेके आता है छिंदवाड़ा से, बढ़िया आता है उधरी से और आकर के बढ़िया लगाया और घर वालों को अलग परेशान करे, पत्नी को मारे, डांटे, चिल्लाए, माता को अलग डांटे फटकारे। तो एक आदमी मजा मारे और एक आदमी बेचारा ईमानदारी से खेती का काम करे, गृहस्थी की व्यवस्था बनाए तो वो परेशान, फिर ऐसा क्यों? जब भगवान सबके ऊपर एक जैसी दया करते हैं, एक जैसी कृपा करते हैं तो फिर ये भेद क्यों? समझने की बात है, सब लोग बैठे हो समझदारी से कि ये दृष्टि में भेद क्यों हो रहा है? ये प्रश्न उठाया कर किया जाता है, प्रश्न किया जाता है कि आखिर सब के ऊपर एक जैसी कृपा है तो सब के बीच में एक जैसा भाव होना चाहिए, सब एक जैसे हों पैसे वाले, सब एक जैसे सुखी हों, सबके यहाँ संतान हो, सबके यहाँ धन हो, मकान हो। अब किसी के पास धन ज्यादा है तो संतान नहीं, किसी के पास परिवार है तो रोग लगे हुए पीछे दवाई गोली में चला जा रहा है, और जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहा है वो बढ़िया आनंद से घूम रहा है बढ़िया चकाचक। हम पूजा पाठ कर करके परेशान है, शंकर जी को, काली जी को मना मना करके,
हमारी सर्दी खांसी ठीक नहीं कर रही काली मैया। और एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल भी पूजा उजा नहीं करता है, कौन जाए मंदिर, फालतू बकवास है, वो बढ़िया है। तो ये भेद क्यों है, ये भेद दृष्टि क्यों है, ऐसा क्यों है? तो देखो, अगर हमको दसवीं पास करना है, हमको कोई कक्षा में बैठ करके कुछ बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी बनना है अगर हमको, तो बनने के लिए उस तरह की पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरह हमको बनना है उस तरह की हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब हम लोग अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं तो दसवीं के बाद कहा जाता है विषय का चुनाव करो। सब बच्चे लोगों को मालूम है, आपके घर में भी बच्चे हैं, तो दसवीं के बाद विषय का चुनाव करना है। तो क्या सोच रहे हो बेटा? तो बेटी ने कहा कि पंडित जी हमको मेडिकल लाइन में जाना है, मेडिकल का शौक है। तो बोले क्या पढ़ना पड़ेगा? बोले बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मुझे बैंकिंग लाइन का शौक है, रेलवे लाइन का शौक है, रेलवे में जाने का शौक है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। मुझे वकील बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? बोले आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। तो जो बनना चाहते हैं, जो बनने के इच्छुक हैं, उसके लिए उस तरह की पढ़ाई करना पड़ेगा, दाखिला लेना पड़ेगा। और दाखिला लेकर के जब पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करते हुए उस विषय में परिश्रम करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, टीचर की डांट खाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा सब प्रकार से। तो जब हम सब प्रकार से उसमें कक्षा में दाखिला लेंगे तब उस विषय के जानने वाले बनेंगे। कृषि अगर सीखना है, कृषि करना सीखना है, अब हम लोग किसान हैं या किसानी होती है, तो सब लोगों के यहाँ खेत हैं, तो खेत में क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाते हैं और खेती की पूरी जानकारी उस बच्चे को दिया करते हैं। तो जब धीरे धीरे वो बच्चे को हम खेती की जानकारी देते हैं, यहाँ देखो इसको ऐसा बोते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो बच्चा बड़ा हो करके हमारी जगह में बढ़िया खेती करता है। और पता ही ना हो, खेत ना गया हो कभी, तो खेत जो व्यक्ति जाएगा ही नहीं, खेत क्या होता है, खेती क्या होती है ये जानता ही नहीं, वो किसानी में सफल नहीं होगा। इसी प्रकार शव पर मोरी बराबर दाया, भगवान कहते हैं शव के ऊपर मैं बराबर कृपा कर रहा हूं, लेकिन जिनके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाती है मैं उनको थोड़ा सा परेशानी दे करके अपने तरफ बुलाया करता हूं कि आ जाओ, तुम मेरी कक्षा में शामिल होने के लायक हो। वो भगवान अपने को योग्य समझते हैं, जिन प्राणियों को योग्य समझते हैं, जिन जीवों को योग्य समझते हैं कि ये मेरी कक्षा में बैठने लायक है, उनको भगवान कहीं ना कहीं से थोड़ी सी परेशानी दे करके, थोड़ा सा दुख दे करके और अपने तरफ खींच लेते हैं। मैंने कल सुनाया था कि सुख के माथे सिल परे जो हरि से दूर कराय, और बलिहारी बा दुख की जो हरि से दे मिलाय, बलिहारी बा दुख की। यानी दुख परेशानी पूजा पाठ अगर करने जाओगे, भगवान की कक्षा में बैठना है तो थोड़ी संसार की परेशानियां तो आएंगी। भगवान ही थोड़ा सा इशारा करते हैं कि भक्त है हमारा, ये भक्त को
चलो थोड़ा सा परीक्षा करके देखा जाए पास होता है कि नहीं होता। इसलिए मीराबाई जब कृष्ण के तरफ चलती हैं तो समाज विरोध में चला जाता है, मीराबाई जब कृष्ण भगवान के तरफ चलती हैं तो पति विरोध में चले गए, सास ससुर विरोध में चले गए, सब विरोध में चले गए मीराबाई के। लेकिन मीराबाई ने गोविंद नाम जपना छोड़ा नहीं, गोविंद का आश्रय ले लिया, भगवान के नाम का आश्रय ले लिया। बस मीराबाई ने जो आश्रय किया भगवान का, भगवान ने परीक्षा लेकर के देखा कि तुम मेरे लिए क्या छोड़ सकते हो, क्या छोड़ सकते हो। मीराबाई ने सर्वस्व छोड़ दिया गोविंद के लिए, तो परिणाम ये हुआ कि मीरा जी को जो विष दिया गया वो विष भी अमृत हो गया। विष पीने के बाद, जहर पीने के बाद आदमी का मरना निश्चित है, लेकिन मीराबाई ने जब जहर का प्याला पिया तो अमर हो गई, अमर हो गई। आज भी मीरा का गुणानुवाद लोग गा रहे हैं, क्यों? ये भगवान की कक्षा है, भगवान की कक्षा में जो आ गया, भगवान की दृष्टि में जो आ गया, वो भगवान उसको कहते हैं कि चल आ जा मेरे पास। अब उनके आने में जो भी बाधा बनेगा, भगवान के पास जाने में जो भी बाधा बनेगा, भगवान उसको धीरे से हटा देते हैं, बगल कर दिया करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग दुखी हैं, थोड़ा सा दुख मिला और भगवान के पास चल पड़े, काली माता के पास चल पड़े, काली जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगते हैं और माता जी से बार बार निवेदन करते हैं, मैया मेरी परेशानी दूर कर दो। अगर परेशानी ना होती तो काली माता के पास नहीं आते, ध्यान ही नहीं आता। हम लोग जाया करते हैं बाहर, तो मैं देखा करता हूँ शहरों में, बड़े महानगरों में ऐसे ऐसे लोग हैं, बोले महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा चाहे जितना ले लो लेकिन हमको पूजा में मत बिठाना, टाइम ही नहीं है। अब हम फैक्ट्री संभालेंगे कि वर्करों को संभालें कि आके पूजा में बैठे? फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बैठे हैं फैक्ट्रियों में, चल रही फैक्ट्रियां, दौड़ रहे हैं दिन रात। परेशान हुए तो पंडित जी को बुलाया, बोले आप एक काम करो हमको 10 मिनट में करा दो। 10 मिनट में क्या हो सकता है? मैंने कहा यार 10 मिनट में तो संकल्प हो सकता है, बाकी कुछ हो नहीं सकता। तो 10 मिनट में संकल्प भर हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। पैसे खर्च कर रहे हैं कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। बड़े लोग जितने ज्यादा बड़े होते ना, बाहर आने पे बड़े मुस्कुराते रहते हैं। तो ये बहुत पते की बात बता रहा हूँ, जो जितना बड़ा पैसे वाला होगा, जिसके पास जितने ज्यादा कारखाने होंगे, उससे ज्यादा परेशान आदमी समाज में कोई दूसरा है ही नहीं। सुबह से रात तक झूठ बोलेगा, सुबह से रात तक परेशान रहेगा, सुबह से रात तक जब घर जाएगा लौट करके तो बिना नशे के उसको नींद नहीं आना है। झूठी मुस्कुराहट लेकर के और अपन लोगों के बीच में आते हैं, बाकी जब घर में जाओ तब पता चलता है कि क्या हालत है। एक जो एक व्यक्ति के यहाँ हम गए निमंत्रण में, बढ़िया भोजन बनवाया उसने सब प्रकार का, और भोजन बनाने के बाद बोले पंडित जी विराजिए भोजन करिए, दिल्ली की घटना है। अब हम लोग 4-5 ब्राह्मण थे, बढ़िया सब बनवाया उसने 18-20 प्रकार के सामान। बनाने के बाद सब लोग भोजन करने बैठे, तो मैंने वो व्यक्ति उनसे सेठ से कहा कि सेठ जी आप भी बैठ जाओ साथ में, आप भी कर लो, आपको काम है। सेठ जी बोले पंडित जी आप पाइए, हम नहीं पा सकते। अरे मैंने कहा नहीं नहीं आप भी थोड़ा सा ले लीजिए साथ में। नहीं पंडित जी ये हम नहीं ले सकते। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे 3-4 बीमारियां हैं, शुगर भी है, हार्ट अटैक की शिकायत, बीपी की शिकायत है, साथ में किडनी में इन्फेक्शन है। तो डॉक्टरों ने कहा कि
गेहूं का दलिया बना करके पीना है। मैंने कहा आपकी कमाई साल भर की, बोले पंडित जी 5-5 करोड़ रुपए कमा लेता हूं। 5 करोड़ कमाने वाला आदमी और उसको खाने के लिए बना कर दिया गया, अब वो दलिया पी रहा है, पंडित लोग पूरी हलवा खा रहे हैं उसके सामने। तो ये स्थिति बनती है, सब पर मोरी बराबर दाया, सब के ऊपर मेरी बराबर दाया है, बराबर कृपा है। पर बस विशेषता यही है कि जिनके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाती है, जिनको मैं अपने तरफ बुलाना चाहता हूँ, वो मेरी कक्षा में शामिल होते हैं तो उनको थोड़ा सा दुख परेशानी तकलीफ देता हूँ ताकि मेरी याद करते रहें। कुंती मैया ने बस यही मांगा था कि मुझे जीवन में दुख मिलते रहें, दुख अगर मिलेंगे तो हे भगवान आपकी याद मुझे आती रहेगी, आपकी याद मेरे हृदय में बनी रहे, इसलिए परमात्मा सदैव मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता रहे। सबके ऊपर बराबर कृपा है भगवान की, सब कभी भेदभाव नहीं किया करते, भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। दो काम क्या करते हैं भगवान, एक सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं और दूसरा सब के साथ क्या करना है ये भगवान जो करेंगे वो अच्छा करते हैं। ये दो चीजें होती हैं, सब के ऊपर बराबर की कृपा है, सब के ऊपर एक जैसी कृपा और दया दृष्टि करते हैं भगवान, और सब के साथ जो भी कुछ करते हैं वो अच्छे के लिए करा करते हैं। एक राजा साहब थे, उनके मंत्री थे। अब राजा साहब के यहाँ जो भी कुछ हो, कोई आया बधाई दिया, क्यों मंत्री जी, बोले भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। कोई आए पीछे से राजा को कुछ बोल जाए, राजा को गुस्सा आए, क्यों मंत्री जी ये आदमी ऐसा बोल गया। मंत्री से पूछा तो मंत्री जी एक ही जवाब दें, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब होते करते ऐसा समय निकलने लगा धीरे धीरे। एक दिन राजा साहब राज दरबार में बैठे थे, अब उस समय एक तलवार बेचने वाला आया तो उसकी तलवार उसने कहा लो राजा साहब बड़ी पैनी तलवार है। राजा ने हाथ में तलवार लिया और लेकर के उसकी धार को देखने लगे। जैसे ही तलवार की धार को राजा देखने लगा तो उंगली उसकी चिर गई, कट गई। राजा की उंगली जब कटी, खून निकलने लगा तेजी के साथ। बोले मंत्री ये क्या हुआ। तो मंत्री की एक ही आदत थी, मंत्री बोला भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। तो राजा का दिमाग खराब हो गया कि मेरे हाथ की चारों उंगली कट गई और ये कह रहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक काम करो, इसको ले जाओ, ले जा करके जेल खाने में डाल दो। राजा का आदेश हुआ, मंत्री को ले जा करके कैद खाने में डाल दिया गया। अब राजा ने बढ़िया इलाज कराया अपनी उंगलियों का। लोगों ने कहा मंत्री को क्यों बंद कर दिया। बोले मंत्री पागल हो गया है, हम किसी को कुछ चोट लग जाए तो कहता है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो इसलिए उसको बंद कर दिया जेल में। अच्छा, अब राजा साहब जो थे, राजा साहब ने कुछ दिनों के बाद अपनी सेना को तैयार किया और जंगल में शिकार खेलने चल पड़े। जब जंगल में शिकार खेलने चल पड़े तो सेना एक तरफ रह गई, राजा जंगल में रास्ता भटक गए। रास्ते में जब भटक गए राजा साहब तो जंगली जो आदिवासी थे उस जंगल के, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। अब राजा को पकड़ लिया, दीपावली का समय था, दीपावली के समय राजा को पकड़ करके ले गए और गांव के मुखिया के पास ले गए। बोले ये इनको पकड़ के लाए हैं। गांव के मुखिया ने कहा बहुत अच्छा आदमी आया, इस बार काली जी को उसी की बलि देना है। कई दिनों से मैं सोच रहा था दीपावली की रात में किसी की बलि नहीं दी गई,
तो अब रात्रि में इनको बलि देना है काली को। अब राजा को पकड़ लिया गया, रस्सी से बांध लिया। अब राजा लगा रोने कि मैं अच्छा फंसा, अभी हमको दीपावली की रात में बलि चढ़ाएंगे काट करके, क्या किया जाए। बोले इसको मध्य रात्रि में, दीपावली की रात आई, मध्य रात्रि में बढ़िया स्नान कराओ पंचामृत से, जो खाने को कहता राजा सब खिलाओ इसको, और स्नान कराने के बाद बढ़िया धोती पहनाओ, जहां काली जी का धूना लगा है वहां पर लेकर के आओ, राजा को बलि चढ़ाएंगे। अब राजा कहे छोड़ दो। बोले हम लोग छोड़ते थोड़ी हैं, हमने तो जिसको पकड़ लिया उसकी बलि चढ़ती है। अब जब राजा ने भोजन वोजन कर लिया, बढ़िया खाना वाना खा लिया, 9 बजे रात, सोचने लगा अब तो मरना ही पड़ेगा, बलि चढ़ जाएगी पक्का है। खाना वाना खाने के बाद आंख से आंसू गिर रहे हैं, काली मैया से प्रार्थना कर रहा है, हे मैया काली बचाओ, माता